सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। 24 फरवरी को हुए प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन अब पुलिस रिकॉर्ड में माफिया घोषित कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि अतीक की शूटआउट में हुई हत्या के बाद शाइस्ता 6 दिनों तक पुलिस की आंखों में धूल खोल कर प्रयागराज में ही रुकी हुई थी और प्रयागराज में शाइस्ता को शरण देने के आरोपी आतिन जफर को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही उसकी गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज में पुलिस ने शाइस्ता का नाम माफिया अपराधी शाइस्ता दर्ज किया है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल शाइस्ता की हिस्ट्री सीट भी पुलिस खोलने की तैयारी में जुट गई है। माफिया की पत्नी शाइस्ता अब तक फरार, पुलिस डाल डाल तो शाइस्ता पात पात। अतीक की हत्या के बाद 6 दिनों तक प्रयागराज में ही रही शाइस्ता। अतीक की पत्नी शाइस्ता माफिया घोषित, शाइस्ता माफिया घोषित, अखिलेश हुए परेशान। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। इसको लेकर शाइस्ता परवीन पर पहले तो 50,000 का इनाम घोषित किया गया, लेकिन पुलिस और एसटीएफ को कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस और एसटीएफ को 73 दिनों से छका रही शाइस्ता परवीन को अब कागजी कार्रवाई में भी माफिया अपराधी घोषित कर दिया गया है। ये कार्रवाई तब हुई जब अतीक अहमद की शूटआउट में हत्या हुई थी। उस दौरान पुलिस कई प्रदेशों में शाइस्ता को तलाश कर रही थी, लेकिन शाइस्ता प्रयागराज में ही छिपी हुई थी। जिसके घर पर शाइस्ता ने 6 दिन तक डेरा डाले रखा, उसको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसकी गिरफ्तारी के जो दस्तावेज थे उसमें शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी शाइस्ता लिखा गया। फिलहाल जिस तरीके से शाइस्ता की गिरफ्तारी में पुलिस और एसटीएफ को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल भी पैदा होना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से शाइस्ता को कागजी कार्रवाई में माफिया अपराधी शाइस्ता लिखा गया तो उस पर जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐतराज भी जताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस को इस तरह का लिखना गलत है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से कागजी कार्रवाई में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी शाइस्ता लिखा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश ने इस मामले पर बयान दिया है तो इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब ये मामला राजनीतिक गलियारों में भी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से शाइस्ता फरार चल रही है उसको लेकर एसटीएफ भी दावे कर रही है कि जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन शाइस्ता को गिरफ्तार करने में अभी भी किसी तरह की कोई खास सफलता नहीं मिली है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज में ही 6 दिनों तक डेरा डाले रखा तो इसमें जो पुलिस के मुखबिर थे या फिर खुफिया एजेंसियां थी उनको इस बात की भनक आखिर क्यों नहीं लगी। प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रही शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को माफिया कहे जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐतराज जताया है। देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है, और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो पुलिस महिलाओं को भी माफिया घोषित करने लगी है। किसी महिला को माफिया कैसे कहा जा सकता है, लेकिन अब पुलिस की भाषा भी खराब हो गई है। आपको बता दें कि माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर कुल 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन आपराधिक मुकदमों में फर्जीवाड़ा के 4 व इसके साथ हत्या की साजिश रचने का भी मुकदमा शामिल है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में कदम पर कदम शाइस्ता शामिल रही है और इस बात का खुलासा खुद अतीक ने अपने बयान में किया था, ऐसा पुलिस का दावा है। पिछले 75 दिनों से अधिक समय से शाइस्ता पुलिस के साथ एसटीएफ को छका रही है। फिलहाल शाइस्ता की तलाश में जुटी पुलिस ने अब उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शाइस्ता परवीन लगातार 73 से अधिक दिनों तक फरार है। पुलिस और एसटीएफ को लगातार उसकी तलाश में दबिश के दौरान किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिल रही है।
पुलिस का दावा है कि शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड के फरार 5 लाख के आरोपी बदमाश के साथ लगातार चल रही है, क्योंकि शाइस्ता के साथ बताया जा रहा है कि 5 लाख का इनामी साबिर भी देखा गया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज एक सामने आया था जिसमें बताया गया था कि जो उसके साथ फरार आरोपी है साबिर, वो उसकी परछाई बनकर लगातार साए की तरह साथ चल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन बराबर की हकदार है, क्योंकि पुलिस ने दावा किया है कि माफिया अतीक अहमद ने पूछताछ में इसका खुलासा किया था कि उमेश पाल हत्याकांड में वो कदम दर कदम उसके साथ रही थी, क्योंकि सारी घटना में वो लगातार निगाह भी बनाए हुए थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर शाइस्ता परवीन अब तक कहाँ छिपी हुई है, क्योंकि शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अतीक अहमद के खंडर हुए मकान पर अभी हाल ही के दिनों में एक दुपट्टा और चूड़ियां समेत खून के निशान मिले थे, उसको लेकर कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं शाइस्ता ने आत्महत्या कर ली। लेकिन जब उसका खुलासा हुआ तो इसका भी पर्दा फाश हो गया कि वो शाइस्ता नहीं थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि शाइस्ता किस जगह है, लेकिन जब तक पुलिस वहां तक पहुंचती है उससे पहले ही शाइस्ता फरार हो चुकी होती है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर शाइस्ता परवीन को कौन शरण दे रहा है, कौन उसको मिनट टू मिनट अपडेट दे रहा है कि आखिर पुलिस उस तक पहुंचने से पहले ही शाइस्ता निकल चुकी होती है। इस मामले में एसटीएफ और पुलिस दावा कर रही है कि शाइस्ता को जल्द ही गिरफ्तार करेगी, लेकिन कब तक इसका कोई जवाब नहीं है। एसटीएफ लगातार कह रही है कि वो यूपी समेत अन्य प्रदेशों में भी शाइस्ता को लेकर तलाश कर रही है और दबिशें भी दे रही है। इसी बीच उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा बमबाज गुड्डू का भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें पुलिस दावा कर रही है कि गुड्डू ने अपनी होलिया भी बदल रखी है। लेकिन इन 5 लाख के आरोपी बदमाश और शाइस्ता को पुलिस और एसटीएफ कब तक गिरफ्तार कर पाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।